नमस्कार फ्रेंड्स, बुक समरी वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में और मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें फ्यूचर के वीडियोस के लिए। चलिए आज मैं आपको रोहिणी की स्टोरी सुनाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। रोहिणी 9 साल की बच्ची है जो एक छोटे से गाँव में रहती है। उसी के गाँव के स्कूल में वो पढ़ती है और इस साल उसने क्लास 6 के एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास भी किया है। 6 के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास करने के बाद भी उसके पेरेंट्स काफ़ी दुखी हैं। कारण है, उसके गांव में 6 क्लास के बाद कोई स्कूल ही नहीं है आगे की पढ़ाई के लिए, और रोहिणी अब भी आगे पढ़ना चाहती है। आगे की पढ़ाई के लिए शहर में जाना पड़ता है। उसके पेरेंट्स परेशान हैं कि शहर में रोहिणी को कैसे ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर रहने का कोई इंतज़ाम उनके पास नहीं है। रोहिणी के फादर घर के बाहर चौपाई पर बैठ कर इसी परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उनके सैमसंग मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने देखा कि मोबाइल स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले आ रहा है, इसका मतलब कि नंबर अनजान है। फ़ोन उठाते ही दूसरे तरफ से महिला की आवाज़ सुनाई देती है। महिला ने बोला, क्या आप चमनलाल जी बोल रहे हैं? उसके पिताजी ने बोला, जी हाँ, मैं चमनलाल बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं? महिला ने बोला, जी नमस्ते, मैं PNG कंपनी से बोल रही हूँ। हमने पिछले साल आपकी बेटी के स्कूल में सर्वे किया था कि कौन कौन से बच्चे क्लास 6 के बाद पढ़ना चाहते हैं। तब आपकी बेटी ने फॉर्म फिल किया था। क्या आपकी बेटी आगे की पढ़ाई करना चाहती है? अगर आप आगे भी पढ़ाना चाहते हैं तो आगे की पढ़ाई हमारी कंपनी पूरी फ्री में आपकी बेटी को देगी। चमनलाल बहुत खुश हुआ और नम आँखों से उसने मंजूरी दे दी। रोहिणी का एडमिशन शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया है। उसको रहने के लिए भी कंपनी वालों ने हॉस्टल प्रोवाइड कर दी है। आज रोहिणी बहुत खुश है क्योंकि उसका एडमिशन शहर के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया है। रोहिणी अपने क्लास के तरफ जा रही है। उसने बहुत ही सिंपल कपड़े पहन रखे हैं क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म अभी आई नहीं है। जैसे ही वो क्लास में पहुँचती है तो उसके सिंपल कपड़े देख कर सारे बच्चे उसको चिढ़ाने लगते हैं। तभी क्लास टीचर आ जाती है। उनके आते ही माहौल पूरा शांत हो जाता है। क्लास टीचर ने बोला कि ये रोहिणी है जो आपकी नई फ्रेंड है, जिसने क्लास 7 में न्यू एडमिशन लिया है। उसके बाद सारे बच्चे मॉर्निंग असेंबली में चले जाते हैं और असेंबली फिनिश करने के बाद वो क्लास में रिटर्न आ जाते हैं। क्लास स्टार्ट करते ही मैडम बोलती है, आज आपका सरप्राइज टेस्ट है, आप सभी बच्चों को आज 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बताना है। क्वेश्चन सुनते ही सारे बच्चे आंसर शीट लेकर उसमें लिखना शुरू कर देते हैं। रोहिणी भी अपने आंसर शीट में लिखना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद सब ने अपनी आंसर शीट मैडम को सबमिट कर दी, लेकिन रोहिणी अभी भी लिख रही है। मैडम रोहिणी के पास जाकर बोली, क्या हुआ बेटा, आपको आंसर पता नहीं है? फिर भी कोई बात नहीं, इन बच्चों ने प्रीवियस वीक ही इसको पढ़ा है और एग्ज़ाम के बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। तभी रोहिणी बोली, मैडम मैं सोच रही थी कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड तो बहुत सारे हैं, पर मैं इनमें से कौन सी लिखूँ? बोलते हुए उन्होंने अपना पेपर मैडम को दे दिया। मैडम सारे बच्चों की आंसर शीट 1x1 करके पढ़ रही थी, जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, स्टोनहेंज, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, लीनिंग टावर ऑफ ताजमहल, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन एंड एटसेट्रा। क्लास टीचर बहुत खुश हुई कि सारे बच्चों को याद है, और लास्ट में मैडम ने रोहिणी की आंसर शीट को पढ़ी। रोहिणी ने लिखा था, द 7 वंडर्स आर, हम इंसानों की देखने की शक्ति, हम इंसानों को सुनने की शक्ति, इंसानों को महसूस करने की शक्ति, हंसने की शक्ति, सोचने की शक्ति, दयालु होना किसी के लिए, और 7th है, एक इंसान से दूसरे इंसान को प्यार करने की शक्ति। ये देखकर मैडम निशब्द हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान ने हमारे अंदर बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ दी हैं, पर हमें पता ही नहीं, और हम हमेशा उसे बाहर ही खोजते रहते हैं। हमें तो बस उसे पहचानना है और निरंतर निखारते रहनी चाहिए। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर पेशेंस।